Hello friends, my name is Shoyal Toma and welcome to my channel. Friends, yesterday I have came to the Jaipur and today is the last tour of Jaipur. So, main aapko Ganesh Mandir ghumane le jaunga aur main abhi aapko apne होटल की छत से दिखाऊंगा कि वो कहाँ पे है और हमें कौन से पहाड़ पे चढ़ाई करके मंदिर पे जाना है। तो फ्रेंड्स तो अभी हम जा रहे हैं, अभी हम होटल से निकले हैं, अब हम छत पे जा रहे हैं। फ्रेंड्स तो मैं अपनी होटल की छत पे आ गया हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ हम कौन से मंदिर पे जाएंगे। वो देखो, वही वहीं पे हमको जाना है, वही गणेश टेम्पल है। आप वहाँ उसके बगल में एक फोर्ट देख सकते हैं, उस फोर्ट का नाम है दहालगढ़। और आप जो आप पानी देख सकते हैं यहाँ पे, और उस पे एक महल देख सकते हैं, उस महल वो जल महल है, और उसकी 5 मंजिल है, उसकी 4 मंजिल नीचे दो भी हैं और 1 मंजिल ऊपर है। अभी तो इसके अंदर जाना गवर्नमेंट ने बैंड कर दिया है। तो पहले 2020 में यहाँ पे जाना अलाउड था, अब यहाँ पे 2021 से जाना बैंड कर दिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि यहाँ पे पानी भरा हुआ है। अब हम निकल चुके हैं मंदिर के लिए, तो फिलहाल तो अभी हम होटल से ही निकले हैं जस्ट अभी, और अब हम जा रहे हैं गणेश मंदिर। आधा हमने मंदिर का आधा रास्ता को क्रॉस कर लिया है, और जयपुर आने का रीजन यह था कि मेरी अम्मा की आंख खराब थी, तो उनकी आंख का चेकअप कराना था, तो इसलिए मैं अपने पेरेंट्स के साथ आ गया जयपुर, और इससे मैं थोड़ा बहुत घूम भी लिया और आपको भी दिखा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं, ये है मेरे पापा, इनका भी एक चैनल है, इनके चैनल बिग टेक ज्ञान, और ये अपने चैनल पर एक्सेल कंप्यूटर और टेक्निकल टिप्स और ट्रिक्स सिखाते हैं। आपने इनके चैनल पे बहुत सारी वीडियो देखी होगी, और आपने इन चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखा होगा और वीडियोस को लाइक भी करा होगा। अगर आपने मेरे पापा की वीडियोस और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, या फिर आपको इनका चैनल के बारे में नहीं पता है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, तो फिर आप उस लिंक से चेकआउट कर लीजिए और मेरे पापा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम गणेश मंदिर के बहुत नज़दीक आ चुके हैं, अब ज़्यादा हमें वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम उसके पास पहुंचने ही वाले हैं। बस दिक्कत यह रहेगी कि हमें पहाड़ चढ़ना है, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब आप देख सकते हैं कि हम मंदिर के कितना नजदीक आ चुके हैं। फ्रेंड्स वैसे हम नाहरगढ़ भी घूम चुके हैं, लेकिन उसकी हमने वीडियो नहीं बनाई थी। अगली बार जब कभी मौका मिलेगा तो हम आपको नाहरगढ़ भी घुमा के दिखा देंगे कि वो कैसा दिखता है अंदर से। लेकिन आई होप कि आप में से कुछ लोगों ने नाहरगढ़ का किला देख घूमा होगा। तो फिर हमने गाड़ी वहाँ पार्क कर दी है, तो मैंने ये टोपी पहन ली है जिससे कि गर्मी ना लगे, और अगर गर्मी लगेगी तो फिर इससे मैं धूप से बच सकता हूँ। और आप वो देख सकते हैं कितना बड़ा मंदिर है, हमें अब इस रास्ते को क्रॉस करना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर बहुत पावी है, यहाँ पे थोड़े बहुत भुट्टे के दाने हैं, तो ये वो खा भी है कौन स्क्वायर। तो फिलहाल पापा इसको खाना दे रहे हैं, लेकिन इसको डर लग रहा है, तो ये यहाँ से भाग गई है। तो फिलहाल यहाँ पे पता नहीं ये
गर्ल्स स्पेशल हो गई राजा महाराजा के टाइम का। और ये मंदिर 18वीं सदी का है, तो ये आप सोच सकते हैं कितना पुराना मंदिर है। ये 18वीं सदी का है। तो फिलहाल हमारा प्लान था कि हम पक्के रास्ते से नहीं कच्चे रास्ते से चढ़ेंगे, और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है तो बिल्कुल संभल के चलना पड़ेगा। थोड़ा सा भी इधर उधर या फिसल गया पैर तो गए काम से। इतना रास्ता है सीढ़ियों वाला, वो रास्ता है कच्चा वाला। हम जा रहे हैं उस रास्ते पे। तो फ्रेंड्स ये है कच्चा रास्ता। जितना रास्ता उसको चलने में मुश्किल था, उतना रास्ता इसको चलना मुश्किल नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फल है। ये मुझे दिखने में आम जैसे लग रहे हैं, पता नहीं कौन से पेड़ हैं। अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में बताना। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिकॉक है, कितना प्यारा लग रहा है। और चैलेंज तो ये भी है कि हमें हुआ इसको जाना भी ऐसे ही पड़ेगा, तो आप सोच सकते हो कि कितना मुश्किल है। फ्रेंड्स मैंने कभी क्लाइंबिंग नहीं की थी और ट्रैकिंग भी नहीं की थी। आज मैंने ट्रैकिंग और क्लाइंबिंग दोनों कर ली। फ्रेंड्स पहाड़ चढ़ते चढ़ गए, थक गए थे, तो यहाँ पे हमें ये एक खाली कुर्सी मिली, तो सोचे यहाँ पे थोड़ा आराम किया जाए। तो हमने ये सीट बुक कर ली और आराम से बैठ पसारे हुए हैं। और यहाँ पे बुक तो नहीं किया लेकिन हमें खाली सीट मिल गई, और यहाँ पे अब हम आराम से पसर गए। अब आराम से थोड़ी देर बैठेंगे, फिर बाकी का रास्ता आपको चलते हुए दिखाएंगे। हाथ पैर सब दुख गए, मुंह में प्यास लग गई बोलते बोलते। तो फिलहाल मैं पी रहा हूँ पानी, बिल्कुल ठंडा ठंडा है। क्लाइंबिंग मिशन फिर से शुरू हो चुका है, 5 मिनट आराम हो चुका है कंप्लीट, और अब हो रही है क्लाइंबिंग। हमने बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया था और अब हम फिर दोबारा से क्लाइंब करना शुरू कर दिया है। हाँ फ्रेंड्स मुझे लगता है कि ये अगर मैंने पहली बार क्लाइंब किया है तो, लेकिन मुझे इंटरेस्ट था क्लाइंब में, तो फिर लेकिन मैं केयरफुली चढ़ रहा हूँ तो इसलिए मुझे कुछ दिक्कत ना नुकसान हो रहा है। प्लीज़ अगर आपने कभी इसमें चढ़ाई की हो अगर और आपको क्लाइंब करना अच्छे से ना आता हो, और अगर आपका और आप अकेले चढ़ रहे हो और अगर आपको क्लाइंब अच्छे से नहीं आता हो, तो प्लीज़ आप इस कच्चे रास्ते से नहीं जाना, क्योंकि फिर आपके फिसलने या गिरने का डर बना हो सकता है। तो आप देख सकते हैं जयपुर का पूरा व्यू। तो फिलहाल मम्मा निकल गई है आगे। मम्मा कैमरे में देखो, तुम्हें दिखा रहे हैं। तो गाइस तो हमने इतना लंबा सफर तय किया है, आप मम्मा की हालत से ही पहचान सकते हो कि मम्मा की हालत इतनी खराब हो गई तो हमारी हालत इतनी खराब हुई थी। देख सकते हो पापा को, अब बस ज़्यादा दूर नहीं है, हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। वो जो आपको दिख रहा है वो ही मंदिर है, वो इतना पास नहीं है, मैंने आपको जूम करके दिखाया है बस। तो फिर अभी हम थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, तो मिलते हैं मंदिर पे चलकर। मंदिर बिल्कुल सामने ही है, तो अब फटाफट चढ़ते हैं, जूते चप्पल उतार दो। तो फिलहाल मैंने चप्पल उतार ली है, तो अभी फिलहाल मैं और मम्मा गए। दिखाओ ये देखो, एक प्यारी सी बर्ड है, डर लग गया इसको, भाग गई। यहाँ पे पता नहीं राजा महाराजा ने क्या क्या बनवाया था। वैसे
जितना रास्ता हमने चला है तो उससे मैंने इतना नोटिस किया, ये थोड़ा किले और महल टाइप का है। आपको जयपुर का व्यू दिखाऊं, आप देखिए कितना शानदार व्यू है। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, आप देखिए कितना शानदार व्यू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे फोटो लेना बना है। यहाँ पे लिखा है यह सुबह 6:30 से 12 बजे तक खुलता है और शाम 4 बजे तक और 4 से लेकर 9 तक। तो फिलहाल मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ, मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे फोटो लेना बना है। जो हमारा चैलेंज था वो हमने कंप्लीट कर दिया है और हमारा चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमारा चैलेंज कंप्लीट हो गया, लेकिन आपका चैलेंज कंप्लीट नहीं हुआ। पहले आप लाइक का बटन दबाओ तो आपका और हमारा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हमने दर्शन करके आ चुके हैं और मैंने एक वीडियो में पढ़ा था कि नंदी के कान में विश बोलते हैं तो वह पूरी होती है। तो फिर मैंने नंदी के कान में विश बोल दी है, मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वह पूरी होने के बाद ही बताते हैं क्या विश मांगी थी। अगर ये मैंने वीडियो में पढ़ा था, अगर ये सच निकला इसका मतलब वो सच थे, अगर नहीं हुआ तो फिर वो झूठ है क्योंकि मैंने उनके कान में ऐसे बोला था जिससे कि उनके कान में आवाज़ जाए। तो फाइनली चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हम कहाँ से आए थे और कितना लंबा रास्ते और इतना लंबा रास्ता चढ़ने के बाद फाइनली कंप्लीट हो गया है चैलेंज। तो अगर आपका चैलेंज पूरा नहीं हुआ है तो उसको पूरा कर दीजिए। आपका चैलेंज है कि इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।